press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Goals, two goals have charge. Plus 2q and minus q separately some distance. किसी न किसी डिस्टेंस के ऊपर हैं एंड एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर और दोनों एक दूसरे के ऊपर है, वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है. देन जॉइनिंग बाय वायर, एंड रिमूव्ड. व्हाट इज, जो हमारा व्हाट इज न्यू फोर्स, तो हमारा जो नया फोर्स है वो हमारा कितना होगा. मतलब क्या कह रहे, कोई दो बॉल्स हैं, एक पे टू चार्ज है, एक पे माइनस क्या हुआ, उन दोनों को किसी डिस्टेंस पे रखा गया है, फिर कोई ना कोई फोर्स उन पे लग रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में. फिर उनको क्या काम किया, वायर से जोड़ दिया. मतलब ये दो चार्ज हैं, मैं बनाऊँ, ये टू क्या हुआ है और ये माइनस क्या हुआ है, किसी डिस्टेंस के ऊपर है तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है. फिर हमने क्या काम किया, इन दोनों को किसी एक वायर से जोड़ दिया. तो वायर से जोड़ दिया और फिर हमने उस वायर को भी हटा दिया, तो जो नया फोर्स है वायर के जोड़ने से उस पर कितना चार्ज रहेगा वो हमें निकालना है, ठीक है. ऑप्शन है हमारे पास, वे हमको दिया हुआ है एफ बाई फोर, ऑप्शन बी है एफ बाई टू, ऑप्शन सी है एफ बाई डी और ऑप्शन फोर है टोटल एफ, मतलब सेम रहेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है. तो देखो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं. तो पहले कंसेप्ट समझे, जब भी किसी एक वायर से जोड़ा जाता है तो ओवरऑल क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं. जोड़ दिया तो टू क्या हुआ है और इसमें से माइनस क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचता है क्या हुआ, ठीक है. तो ये तो बचा हमारे पास टोटल चार्ज, इसका मतलब, और फिर उन्होंने हटा दिया तो इसका मतलब टोटल चार्ज इन पे क्या हुआ बचा है, तो इधर इधर कितना आएगा दोनों पे, क्या हुआ टू क्या हुआ टू, क्योंकि टोटल अगर ये दोनों इतने हैं जब उनको जोड़ा तो टोटल चार्ज इन दोनों के जोड़ने से वो क्या हुआ बनता है, तो दो के अंदर हमें क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कितना हो जाएगा क्या हुआ टू और क्या हुआ टू, ठीक है. तो हमें देखना है इसके जोड़ने के बाद कितना बनता है. तो देखते हैं, जो हमारा जो स्टार्टिंग था वो कितना था, टू क्या इंटू क्या अपोन में के गुलाम सला वाला लगाया और अपोन में आर स्क्वायर. जब आर को कोई चेंजमेंट ही नहीं कर रहा, उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो इसको आप फॉर में काट भी सकते हो या शुरू में ही काट सकते हो. सिर्फ दूसरी वाली सिचुएशन है, उसमें क्या चेंजमेंट किया है, जो चार्ज है वो बना दिए हैं क्या वाई टू, क्या वाई टू जो नया फोर्स है उसको एफ डैश मान लूँ और आर स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें नया फोर्स जानना है, नया फोर्स जानना है, डिवाइड कर दिया तो ये सारा कैंसिल आउट हो, इससे ये खत्म, इससे ये कैंसिल. इधर से देखते हैं कितना आया, टू क्या हुआ क्या हुआ और नीचे इधर से कितना बचता है, क्या हुआ बाई टू, ये रहा क्या हुआ बाई टू और क्या हुआ बाई टू. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या हुआ बाई टू इंटू में क्या हुआ बाई टू, ठीक है, कर दें ऐसा, देख रहे हैं क्या उसे क्या हुआ खत्म और इधर से ये वाला कैंसिल आउट, तो कितना हो गया एफ अपॉन में एफ डैश और ये हो गया टू अपोन में एफ टू अपोन में और दो सारा ये कंप्लीट ऊपर गया टू 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 इंटू टू. तो इसका वैल्यू कितनी आई है, जो हमारा एफ डैश है एट हो गया और इज इक्वल टू एफ हो गया और हमें नया एफ डैश निकालना था, वो कितना हो गया एफ बाई एट. इसका मतलब जो भी फोर्स लग रहा था उसका क्या आ गया, एट टाइम्स हमारा डिक्रीज हुआ. कैसे किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दो हैं, ये ऊपर चले जाएंगे, तो दो 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 चार और चार दूनी आठ और इसको सोल्व किया तो कितना आया एफ बाई एट. तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या बन जाएगा एफ बाई एट, ठीक है. तो ये हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कल हम फिर से दोबारा अपनी नई सीरीज चलेंगे, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको ट्राई करें, ठीक है. और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, ठीक है.